नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक कैंडल वॉक्स रीडिंग। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, ओवरऑल एनर्जी चेकिंग। जैसे मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, एनर्जी का अप डाउन तो है ही, जो आप भी समझ सकते हो आपके अंदर भी इमोशन चेंज हो रहा है। तो एनी हाउ, जब भी मैं रीडिंग करूंगी उसके साथ साथ आपका भी कुछ एनर्जी मैं पिकअप करूंगी एंड उनका एनर्जी मेन है उनका एनर्जी, मगर आपके साथ भी रेजोनेट अगर करे तो आपको पता चलेगा। तो मैं पर्सनली आपका एनर्जी भी पिकअप करने का कोशिश करूंगी एंड उनका दोनों को मिला के आज का रीडिंग की उनका करंट फीलिंग क्या चल रहा है, डीप ऑफ द माइंड में क्या सोच रहे हैं वो एंड क्या करने वाले हैं, देखने के लिए आज का कैंडल वॉक्स रीडिंग। So let's start. Divine, please help करे, Divine, please help करे। आप लोग जिनके बारे में, आपके पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनका फोटो जैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो, उनकी फेस विजुअलाइज कीजिए एंड ये रीडिंग के लिए सुनिए कि रीडिंग के लिए तैयार हो जाइए एंड सुनिए आपकी पर्सन का क्या चल रहा है दिल और दिमाग में आपके लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या है आपकी पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए। Let's start. आपके अंदर एक ईगरनेस है अंदर ही अंदर वो क्या सोच रहा है एक्चुअली, दिमाग में क्या है, आपके मन में भी बहुत क्वेश्चन है कि हीज और हर लव ट्रूथ फॉर मी, इट्स ट्रू फॉर मी, इट्स नॉट। ये एनर्जी आप अभी फिलहाल आपके अंदर हो रहा है कि ये सिर्फ अटैचमेंट तो नहीं है, ये सिर्फ कोई मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं है, इस टाइप का एनर्जी इनका जो एनर्जी है, इज इट ट्रू। ये एनर्जी आपके मन में बहुत है, कभी इसके ऊपर भी मैं बिल्कुल रीडिंग लेके आने वाली हूँ आपके लिए, मगर फिलहाल आपके दिमाग में है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा थक चुके हो इनके पीछे दौड़ते दौड़ते, इनको ये जो मूड कभी ब्लॉक कभी हाँ कभी ना, ये जो कभी बात इच्छा हो बात करे, कभी इच्छा ना हो बात नहीं करना प्रीवियसली, तो ये एनर्जी या किसी के लिए आज भी। देखिए ये जो जनरल रीडिंग है सबके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपके लिए रेजोनेट करेंगे, क्योंकि आपके सामने अगर ये रीडिंग आ जाए या आपके दिमाग में आए कि मैं आतिया मैम का चैनल थिया चारा कंसल्टेशन खोल के देखूं, दैट मींस कहीं ना कहीं से डिवाइन का यही मर्जी है कि आप अभी ये रीडिंग देखें, आपको कुछ मैसेज देना चाह रहा है। सो ये एनर्जी को मानते हुए आज का रीडिंग देखिए। आप लोग कुछ भी हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगह में रह रहे हो, कोई प्रॉब्लम हुआ है, हो सकता है आप एक मैरिड है एक अनमैरिड है, आप कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकता है दोनों की दोनों मैरिड है, हो सकता है दोनों की दोनों अनमैरिड है, हो सकता है क्रश है, बहुत कुछ हो सकता है, मगर ओवरऑल एनर्जी में जहाँ पे लव फीलिंग है उनके साथ ही आज का रीडिंग रेजोनेट करेंगे। आपका जो कोशिश इनके पीछे बहुत हद तक आप कर चुके हो, बहुत हद तक आपकी तरफ से कभी नहीं दिखता कि मुझे जो एनर्जी दिख रहा है कि आपने कभी ऐसा ठीक है चलो ऐसा नहीं है इनके लिए आपका सीरियस फीलिंग, बट इनकी मूड एवरी मोमेंट इनका मूड एवरी मोमेंट इनका वही कभी हाँ कभी ना, ये एनर्जी आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड कर चुके हैं। अभी आप लोग लग रहा है कि नो आई एम डन और नहीं, ये एनर्जी में आप फिलहाल हो, मगर फिर भी आप वेट कर रहे हो कुछ तो मिराकल हो जाए, वो आ जाए, वो सच हो, मेरा जो सोच है कि ना वो सही नहीं है ये जगह, या वो अगर थर्ड पार्टी से हैंडल कर रहा है तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये आपके मन लग रहा है कि नहीं ऐसा ना हो, मुझे भगवान करे मेरा गलत फहमी हो, इस टाइप का एनर्जी में आप हो, मगर एनी हाउ आप अभी एक इंजाम तक पहुंचना चाहते हो, एक रिजल्ट इस तक पहुंचना चाहते हो आपके पर्सन।
आपके पर्सन का जो फीलिंग मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन का एनर्जी में मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि गिल्ट, गिल्ट का एनर्जी है, डर की एनर्जी है। गिल्ट किस बात की? ये जो ग्रांटेड लेना, इस चीज का दुख गिल्ट हो रहा है इनको, समझ में आया? इनको कहीं ना कहीं लग रहा है आपका सोशल मीडिया देख के, या आप ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो, या कोई भी जगह से, या कुछ भी से, ऐसा कुछ सिचुएशन जो भी हो, इनको कहीं ना कहीं लग रहा है ये कहीं ना कहीं दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो जाएगी, या हो जाएगा, मैं थोड़ा ज्यादा ही कर दी, ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है। हाँ यस, उनको ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि मैं ज्यादा एटीट्यूड दिखा के गलत तो नहीं कर दिया, ये एनर्जी इनके अंदर बहुत स्ट्रांगली है। खोने का डर है इनके अंदर, खोने का डर बहुत ही मतलब स्ट्रांग मुझे दिख रहा है कि आपके लिए खोने का डर इनके अंदर आ रहा है। कहीं ना कहीं से लग रहा है आप शायद फ्रेंड में बिजी हो, या रिलेटिव में बिजी हो, या कोई जगह में, आप अगर ज्यादा टाइम ऑनलाइन रहो, या कुछ कोई भी जगह से वो स्ट्रक कर रहा है, एंड आप अगर ज्यादा टाइम ऑनलाइन रहो, जैसे आपको भी दिल धड़कता है, उनको भी दिल धड़कना स्टार्ट हुआ है। इनकी तरफ से भी दिल धड़कना मुझे स्टार्ट दिख रहा है, जहां पे ये थोड़ा डर रहा है कि कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए, ये एनर्जी थोड़ा सा है। इनको कहीं ना कहीं लगा था कि मैं कुछ भी करूं मेरे हाथ से निकालने वाले नहीं है, ये जगह से ये निकल रहा है, एंड इनको डर पैदा हो रहा है। आपको भी लग रहा है और कितना दिन, ऐसा नहीं चलता, मुझे भी कोई अपना जिंदगी देखना है, अपना जिंदगी जीना है, अगर कोई आए तो अच्छा, अगर नहीं भी आए तो ऐसा भी चलेगा, मगर ये आना जाना नहीं, जाओ तो जाओ, आओ तो आओ, ये आना जाना नहीं। इनके अंदर कोई कोई है शायद फटाक से नो कॉन्टेक्ट पे आ चुके हो, कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा ओरिड हो, क्या हुआ है, मगर ये भी तो सही है, दो मिनट के लिए वो आंसर नहीं दे पा रहा है, क्यों नहीं दे पा रहा है, ये बीमार है, ये कोई परेशानी में है, या इनका आदत से ये कर रहा है, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में फिलहाल चल रहा है। ये सब केस पे देख रही हूँ आपके पर्सन कोई 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 मुसीबत पे है, जहाँ पे ये कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा है, चाहे तो एक दो सेकंड के लिए कर सकते हैं, मगर इस जगह से ये डर रहा है, इस जगह से ये डर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनका सिक्योरिटी बहुत, जो भी आप लोग देख रहे हो, ये आपका जो पर्सन है बहुत गिल्ट है, बहुत प्यार, हाँ ये है, ये चीटिंग नहीं कर रहा, ये प्यार का फीलिंग है, इनका प्यार की फीलिंग होते हुए भी ये बंदा जो है ये सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा सोचने वाला पर्सन है, बहुत कुछ दिल में है आपके लिए, मगर खुद को कंट्रोल करके रख देता है, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, लिमिट में। अगर ये कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहा है आपके पर्सन, तो वो बहुत ही करेक्ट मिजाज की है, जो इनको बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी इनके ऊपर बहुत मेंटली प्रेशर डाल रहा है, अगर कोई भी थर्ड पार्टी से ये डील कर रहा है तो। इनके मन में कुछ कुछ संस्कार बैठ चुके हैं कि ये ही करना है, इससे ज्यादा नहीं, मैं ये ही हूँ, मुझे कुछ सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं करना है, या मैं नहीं कर सकता, मेरा फैमिली जो बोलेगा वही होगा, फैमिली कार्मिक बंधन से बंधा हुआ इंसान है। मगर इनका क्या है, बचपन से वो ही एक तो इंसान पास्ट लाइफ बैगेज लेके आते हैं, कर्मा कहीं ना कहीं से कार्मिक के साथ भी क्लियर कर रहा है, सीख रहा है जिंदगी से, कर्मा डेली क्लियर कर रहा है, साथ ही साथ ये आपके पर्सन का मुझे जो दिख रहा है कुछ संस्कार, इनको अंधविश्वास संस्कार, कोई कोई चीज इनको बहुत ही रोक रहा है पीछे, एकदम रोक रहा है पीछे, इनको मालूम है, इनको कहीं ना कहीं से एक सैक्रिफाइसिंग मेंटालिटी मुझे दिख रहा है, मगर गिल्ट का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन के लिए, गिल्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप शायद इनको बहुत सपोर्ट करते हो मेंटली, फिजिकली, एनी हाउ फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट, इनको ये मालूम है कि ये जो है इससे मुझे जो सपोर्ट मिल सकता है वो सपोर्ट मुझे इस दुनिया में कोई जगह नहीं मिलता। मगर जिन लोगों की थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से कार्मिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये प्यार नहीं है, कर्मा क्लियर कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, ये एनर्जी में फंसा हुआ बंदा या बंदी की सिचुएशन में आपकी पर्सन है। एनी हाउ आपके लिए फीलिंग अच्छा है, डर है, मगर हाँ ऐसा है गिल्ट बहुत दिख रहा है, मगर ऐसा है कि वो कुछ मतलब प्यार किसको बोलता है कि सब छोड़ छाड़ के मैं आ जाऊं, कैसे भी करके सब छोड़ छाड़ के आ जाऊं,
ये एनर्जी में ये नहीं है, मगर ये एनर्जी में वो आएंगे। इनके अंदर गिल्ट इतना ज्यादा भरा हुआ है आपको लेके कि मैंने बहुत खराब किए हुए इनके साथ, ऐसा बिहेवियर मुझे नहीं करना चाहिए था, गिल्ट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एंड आपके लिए एक एक्चुअली गिल्ट इसीलिए हो रहा है, वो उनको कहीं ना कहीं से मिलने का बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रहा है, मिलना है, मिलने का क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रहा है। मगर जैसे मैंने बोला, इनके अंदर प्यार होते हुए भी ये साहस नहीं है जिसमें ये सब कुछ तोड़ ताड़ के आपके पास आ जाए, ये साहस अभी भी इनके पास नहीं है। मगर एनी हाउ मुझे जो एनर्जी दिख रहा है ये करेंगे, ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं से मन ही मन करेंटली वो देख रहा है कि कैसे करके मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये एनर्जी दिख रहा है। एकदम जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं ऐसा नहीं है, मगर अब थॉट लेवल पे है, उसको खूब एक्शन लेवल पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एनी हाउ जो जगह से मुझे दिख रहा है, एक्चुअली आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, ये प्यार है, मगर ऐसा इन्फ्लुएंस्ड है ना ये पर्सन फैमिली से, सोसाइटी से, थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी कमिटेड में है, कमिटेड जगह है, या मदर फादर, कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन में ऐसा जगह में फंसा है, ऐसा जगह में है, दिमाग उधारी जा रहा है, इनका कोई एक्शन नहीं, बिल्कुल एक्शन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एक्शन नहीं दिख रहा है। सो एनी हाउ इस जगह से मुझे दिख रहा है इनको बहुत ही मिलने का अर्ज अभी फिलहाल आपको भी है, मगर आप थोड़ा भी चुप गए, चुप बैठे हो, मगर मुझे तो लगता है फिजिकली जो सेक्सुअली जो एक फीलिंग होना, बहुत ज्यादा अर्ज होना आपके अंदर भी हो रहा है कहीं ना कहीं से, एंड उनके अंदर भी हो रहा है। सेक्रल टू सेक्रल एक कनेक्शन होता है ना, इस टाइप का एक कनेक्शन बहुत आप दोनों में स्ट्रांग हो रहा है। एंड बहुत जल्द मिलने का भी कोशिश में आपके पर्सन इमीडिएटली लग रहा है, कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले, ये दिमाग में चल रहा है, कमिटमेंट देने के लिए सोच रहा है, कमिटमेंट सोच बूझ के देंगे इस टाइम में, मगर मिलने का कुछ है। एंड मेन जो उनका है, इनको लग रहा है कि भगवान मेरे अंदर अगर ऐसा कैपेसिटी होता तो मैं जाके पूरा कॉन्फेस कर लेते, मतलब कर लेता या कर लेती कि मैंने गलती किया है, मैं गलती की हूँ। ये बहुत एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, एक्सट्रीमली गलती का एहसास ये आपके पर्सन के लिए बहुत हो रहा है। क्यों हो रहा है? प्यार है तभी हो रहा है, प्यार का फीलिंग है, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की तरफ से भी ऐसा एनर्जी क्रिएट किया गया है जिसमें इनके अंदर ये फीलिंग आया है। ठीक है, और एक चीज हो सकता है, आप सोशल मीडिया में कुछ फोटो प्रपोस्ट किए हो या ऐसा कुछ बिहेवियर किए हो, थोड़ा डिटैचमेंट दिखाए हो, इसमें इनके अंदर और भी आया है, कहीं मुझे मुझे छोड़ के कुछ जगह जाने वाले तो नहीं है। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, खोने का डर बहुत स्ट्रांग है, तभी वो उसको लग रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया। मगर ईगो कहाँ जाएगा, एक डर है कि मैंने ये सब बिहेवियर तो कर, पुराना चीज बहुत याद कर रहा है इस मोमेंट पे। मुझे बहुत दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा पुराना चीज याद कर रहा है कि ये गलती की थी, यहाँ पे मिसबिहेव किया था, वहां पे, एंड उस हर चीज के लिए कहीं ना कहीं से खुद को दोष रहा है कि मैं ये नहीं करना चाहिए था, वो भी नहीं करना चाहिए था। मगर एक ईगो, एक डर, कोई आपके सामने आने में उसको डर लग रहा है, ये सामने आने में उनका डर लग रहा है। अभी आप अगर जाकर डर तोड़ दोगे फिर वह पहले वाला सिचुएशन में आ जाएगा। अगर आप शांत रहिए, चुपचाप रहिए, तो इनके अंदर का डर खत्म होगा। एंड इनके अंदर एक्चुअली इंसान होता है ना कि रिपेंट की आग में जलते जलते ही तो एक इंसान एक्चुअली असली हीरा बनते हैं, असली सोना बनते हैं, असली है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो उस जगह से इनका फीलिंग भी, जहाँ पे उनको लगता था ग्रांटेड है ये तो आ जाएगी, ये आ जाएगा, उस एनर्जी से इनको बाहर निकालने के लिए आपको चुप रहना बहुत जरूरी है। मगर कोई नेगेटिव चीज मत, मतलब वाइब्रेशन इनको मत भेजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पर्सन जब रिपेंट पे होता है वही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया, कैसे इसको सुलझाओ। ये एनर्जी बहुत ज्यादा आपके पर्सन के लिए मुझे दिख रहा है इस मोमेंट पे। प्यार का फीलिंग काफी स्ट्रांग है उनको, कहीं ना कहीं वो जब रात पे अकेले होते हैं एंड आसमान में अगर देखे, ये एनर्जी लिख रहा है आसमान में देखे ना, उनको कहीं ना कहीं सितारों की दुनिया में कोई भी जगह में बहुत ज्यादा आप विजुअलाइज होते हो। ये अगर ऐसा हो कि कोई जगह गए हैं या रात को छत पे बैठे हैं, ऐसा कोई एनर्जी मुझे बहुत पिकअप हो रहा है, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा हो सकता है ये इनका आंसू भी आता है,
इस मोमेंट पे कहीं ना कहीं से कमिटमेंट नहीं, अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो भी प्रॉपरली कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है तो उस जगह से भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा ऐसा सिचुएशन में उनको लगता है पास में अगर होते तो क्या अच्छा होता है, पास में तुम होते तो क्या होता, तुम होते तो ये होता, तुम होते तो वो होता। तो इस टाइप का एनर्जी उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रहा है। इस मोमेंट पे आप शांत रहिए, बहुत धीरज रखिए एंड इनके लिए लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं से अननोइंगली आप खींचोगे। खींचना मतलब ये नहीं है कि आपको अपना जो स्ट्रांगनेस है, आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, सबको तोड़ मार के उनके पास पहुंच जाना, नहीं, तब भी जाके ये साइकिल जो एनर्जी का साइकिल है चेंज हो जाएगा। अब बस उनको दिल से एकदम पॉजिटिव लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, एकदम पॉजिटिव रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला मैनिफेस्टेशन चल रहा है और मैनिफेस्टेशन तो चलेगा ही, क्योंकि वो इतना गिल्ट में है, प्यार का फीलिंग में है, सेक्सुअल अट्रैक्शन एक फील कर रहा है एंड डर रहा है कि आप कहीं ना कहीं हाथ से निकाल ना जाओ। तो ये एनर्जी है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू योर ब्लॉकेज, मगर एवरेज एनर्जी में मुझे जो फील हो रहा है, सेवन का एनर्जी क्यों मुझे बहुत ज्यादा विजुअलाइज होता है, सेवन, फोर एंड सेवन विजुअलाइज हो रहा है, यस, वन फोर सेवन मुझे विजुअलाइज हो रहा है, मतलब 147 आवर्स, 147 डेज, 147 वीक्स, 147 मंथ, अकॉर्डिंग टू योर ब्लॉकेज। आप दोनों में कमिटमेंट की जगह, एक कम्युनिकेशन प्रॉपर की जगह, मिलने की जगह तैयार होगा, मगर होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी मुझे दिख रहा है गिल्ट, डर, खोने का डर एंड प्यार, प्यार अट्रैक्शन सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। एंड अगर थर्ड पार्टी के साथ डील हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम में है, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से टारगेट है, निशाना है ये आप दोनों का रियूनियन का। सो बहुत खुश रहिए, ये एनर्जी बिल्कुल बताऊंगी लास्ट में, बहुत ही खुश रहिए। खुश रहना, आपके अंदर हैप्पीनेस को लेके आना, आपके अंदर लव एनर्जी को इंक्रीज करना, क्योंकि आप हम लोग आई है यूनिवर्स में, अर्थ मदर अर्थ में लव एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, राइट। तो ओवरऑल ये एनर्जी में रहिए, खुश रहिए, एनर्जेटिक रहिए, ठीक है। सो लेट स्टार्ट कि मेरा बुकिंग एंड ऑल की क्या एक्चुअली प्रोसीज्योर है। बहुत लोग बार बार फोन करते हैं, आप लोगों को कोई भी सर्विसेस चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप के जरिए बुकिंग होगा, उसके बाद कॉल बुकिंग कर रहे हैं तो आराम से मैं कॉल में अच्छा से बात करूंगी, ठीक है। आफ्टर दैट कमेंट करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट के जरिए ही आपके साथ मेरा ये जो बंधन ऑलवेज बंधा रहता है। एंड कोई भी विश हो आपका, कोई भी विश हो, फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि जब भी अब मैं हीलिंग में बैठती हूँ तभी रेकी मादर से, डिवाइन से, सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आपका जो विश है वो सच में फुलफिल हो जाए। और होने के बाद आप लोग जब मुझे खबर करते हो कि मैम फुलफिल हो चुके हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।